वाह 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 वाह, थैंक यू अन्ना। तुझे नहीं बोल रहा था मैं। बरो अरे पानी तो देके जा। वाह वाह वाह, अप्रतिम अप्रतिम आयोजन किया था महेंद्र भाऊ की दुकान के उद्घाटन बिटघाटन का। बाद में नाश्ता भी था, लेकिन आप बिना खाए निकल गए ना। फिर उस बात का हमारी दुकान बंद रहने से क्या लेना देना है प्रभाकर दादा? अरे लेकिन मैं कहाँ ऐसा बोला? अरे कमाल है, आप ऐसा नहीं बोले हाँ कि आज का मुनाफा जाने दिया अन्ना ने। अरे कम से कम नाश्ता कर लेते तो कुछ तो वसूल होता। मैं ऐसा बोला? ए बगा, अभी इसी वाक्य में से क्वेश्चन मार्क निकाल के फिर से बोलो। मैं ऐसा बोला? बोला कहना ना कबूल। अभी क्वेश्चन मार्क लगाना है ना तो यहाँ पे लगाओ। आज दुकान क्यों बंद रखी? क्वेश्चन मार्क। आज का मुनाफा क्यों जाने दिया? क्वेश्चन मार्क। तो मुनाफा दुकान एक हुए, गुलकंद पान एक हुए। भारती ये इसके लिए भी पानी का गिलास लेके आ, लेकिन उसके हाथ में मत देना, सीधा इसके मुंह पे देना। बरोबर। अरे केशव। अरे प्रभाकर, हम लोगों ने दुकान इसलिए बंद रखी ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ महेंद्र भाव की दुकान पे जाए। कर लगा कुछ भी बोलते रहते हक्कर। लेकिन क्या है ना अन्ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सच में सबका ध्यान हमारी दुकान से हट जाएगा। ऐसा प्रभाकर दादा नहीं बोल रहे, निर्मिति बोल रही थी ऐसा। अरे हलवा है क्या? हाँ ना। लाऊं हलवा? अरे नहीं नहीं नहीं, भोली मासूम, ये केशव को बोल रहा था मैं। हलवा है क्या? लोगों का ध्यान ऐसे कैसे हट जाएगा हमारी दुकान से? सीधी सी बात है, अपने मस्तिष्क पर बल का प्रयोग कर विचार करो तो अति शीघ्र समझ में आ जाएगा कि कदाचित आज मंगोलियन में बोले मंदार दादा। आपकी बात सुन के है ना, मुझे है ना मजा नहीं आया। और समझ में भी नहीं आता। तू ना एक काम किया कर, अपने साथ दो तीन डिक्शनरी रखा कर, और बोलने से पहले हम सब में बांट देना। इतनी झंझट पालने से अच्छा है कि सीधे सीधे बता दीजिए ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ। अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी दुकान खुली है ये सोचकर लोग आए थे, और बंद देखकर वो उनकी दुकान में चले गए। हाँ, और उधर कितनी भीड़ हो गई थी मालूम? सब लोग वो शैला कुमारी के साथ ऐसे सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए घुस गए, और कुछ लोगों ने तो एसी की ऐसे ठंडी हवा भी खाई और दखार भी नहीं लिया मालूम। और ये सब मुफ्त का नाश्ता खाया योगेश ने, दिगंबर ने। और लेकिन बाकरवाड़ी कितने लोगों ने खरीदी? सिर्फ हमारी अपनी विभा बुआ ने। वो भी इसलिए क्योंकि उनको अन्ना के हाथ से खानी थी। हाँ। वरना वो भी नहीं बिकती। आया आया, सब आया। वाह, अब एक एक इधर एक इधर। समोसा समोसा आना चाहिए। वो मोटा भाई की दुकान बंद है ना, शायद शायद इसीलिए माधवपेट में ज्यादा लोग नहीं आए। नहीं, अगर खुली होती तो हमारी दुकान पर भी आते। रोने की जरूरत नहीं है महेंद्र, पर क्या करूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो जल्दी जल्दी रो। गायत्री, देख देख तेरे पापा को देख। मन ही मन में मोर बन के थनगन 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 कर रहे, देख देख। फोड़ो। हाँ। ताई ताई स्माइल करना। नहीं रो भी नहीं, नहीं आशा नहीं मरने में नहीं हो, अभी नहीं हो उतने में। इसका ट्रांसलेटर रखा करो ना जरा साथ में। हाँ वो नहीं,
समझ में तो आवे बिचारी क्या बोल रही है इतनी भावुक हो के। ए कुछ करो ना, क्या नाम अपना, ये इसका हस्बैंड का नाम क्या है अपना, ओ जयंत भाई। जयंत, जयंत उर्मिला वहिनी, जयंत। ये अपने जयंत का जयंत कैसे कर दिया? अरे वो अंत 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 ऐसा आता है ना, तो वो अंत का एंड कर दिया मैंने, अभी वो निकल गया मेरे मुंह से। अभी आप भी क्या मेरी दुकान में खड़े खड़े बीच में बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? वो फोटो खींच, ए बेन स्माइल करो ना अपनी पेशावरी बेन, स्माइल स्माइल पेशावर। महेंद्र अंकल, ओ महेंद्र अंकल, आप भी आइए ना। हाँ हाँ सब लोग ग्रुप फोटो लेते, आ जाओ आज। तेरे बेचकर की फाइन लगे। अरे महेंद्र भाव हसी है ना, अभी किस बात का टेंशन है? अभी 2 बज रहे महेंद्र, 2, और आपके मुंह पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? इतना पीछे क्यों चल रहा है आपका मुंह? और तुम लोग इतना फुदक क्यों रहे हो? कब से हम लोग ही फोटो खिंचवा रहे हैं इस दुकान में, एक कस्टमर नहीं है। मंदार दादा देखिए, सबने अपनी अपनी प्लेट से बाकरवड़ी निकाल के साइड में रख दी है। अरे हमारे अन्ना तो व्यंग करते हैं, पर इसको देख के कोई भी बोलेगा कि ये बाकरवड़ी नहीं कैरम का स्ट्राइकर है। और हमारा मुंह है ना मुंह, वो कैरम बोर्ड का छेद। हाँ? अभी ये उनका स्ट्राइकर है ना, उससे हम ऐसे ठक करके मारेंगे हमारी बाकरवड़ी को, तो हमारी बाकरवड़ी सीधा मुंह में। करेक्ट। ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि 100 साल से प्रचलित है हमारी दुकान, दंत कथाएं बनी है हमारे गोखले बंधु की। पुणे शहर में जब बच्चा पैदा होता है तो वाह वाह ऐसा नहीं रोता है, गोखले गोखले ऐसा रोता है। ऐसी साख क्या एक दिन दुकान बंद रहने से चली जाएगी क्या? अरे ऐसा शक, ऐसी परेशानी अपने मन में लाओ ही मत। मुझे देखो, मैं कभी ऐसे विचार अपने मन में आने ही नहीं देता। देखा प्रभाकर दादा, अरे अन्ना का दिल कितना बड़ा है। लेकिन वो गुजराती महेंद्र भाऊ, वो जो खेल खेल रहे हैं ना। खेल? हाँ। कैसा खेल? क्षमा करना अन्ना, बीच में आके मैंने डिस्टर्ब किया। आ गई मराठी भरतनाट्यम नर्तकी आ गई इशारे करते हुए। ये क्षमा करना का इशारा ऐसा कैसा भारती? क्यों, दिनकर भाऊ की बीबी क्षमा, उसने ऐसे ही तो बोतल मारी थी दिनकर भाऊ के सर पे, तो हुआ ना ये क्षमा का इशारा। अभी कैसे है दिनकर भाऊ? अगो भाई अच्छा छोड़ो छोड़ो, ये क्षमा करूँ किस बात के लिए तुझे, ये बता। अन्ना रात के खाने में कौन सी सब्जी बनाऊं? बना देना कुछ भी, बैंगन बिंगन बना दे। बराबर। हाँ अगो भाई, बैंगन इतनी गर्मी में फिर आपको फोड़े फुंसी निकले तो अन्ना। हाड़ू हाड़ू तू तू आलू बिलू बना था ना कुछ भी। बराबर। अगो भाई आलू रात को खाएंगे ना तो इनको गैस होता है। गर्व देखो, गर्व गैस पे। और इस बार तो प्रभाकर दादा गैस के एजेंसी भी लेने की सोच रहे हैं, है ना प्रभाकर दादा? प्रभाकर नालक, ऐसे गैस की एजेंसी खोल। अरे ए भारती, तू गवार की सब्जी बना दे। बराबर। मैं बताता हूँ अन्ना। लेकिन अन्ना, हाँ अभिषेक को गवार पसंद नहीं है। फिर भी बेचारा जबरदस्ती खाएगा मेरा राम। नहीं नहीं, वो फूला गोभी उसे बहुत पसंद है। फूला गोभी है क्या घर में? शाबाश, बना दे फूला गोभी, बना दे। बराबर फूल गोभी। हाँ केशव, क्या खेल खेल, क्या 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 खेल। लेकिन अन्ना, हाँ फूलगोभी में कीड़े निकले तो? तो कीड़े की सब्जी बना देना। बराबर। अरे क्या बड़ा, मैं कल शाम को तुरई लेके आया था वो बना। लेकिन अन्ना वो रसोई में मैंने पालक कट के रखी है, उसका क्या करूं?
अरे हाँ, तो तू एक काम कर, वो पालक को है ना फिर से दंडी पे चिपका दे सेलो टेप से। लेकिन अन्ना। अरे क्या लेकिन, फेकिन जब पहले से पालक काट के रखी है तो रसोई में कढ़ाई गरम करने के बजाय मेरा सिर गरम करने के लिए क्यों आ गई तू? क्योंकि पालक मेरी फेवरेट सब्जी है ना, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मेरी पसंद के चक्कर में मैंने आप सबकी पसंद को नजरअंदाज किया। पत्थर पत्थर किधर है? पत्थर पत्थर किधर है? पत्थर ला पत्थर। भाई अन्ना मैंने क्या किया? अरे तो तूने नहीं किया, मैंने किया। मैंने इसको पैदा किया और इसने तेरे साथ शादी की। अगो भाई आओ। मैं अपने आप को पत्थर मारना चाहता हूँ। अगो भाई आओ। नहीं नहीं प्रभाकर दादा, अरे महेंद्र भाव का गुस्सा थोड़ी भारती बहनी पे उतारेंगे अन्ना। अरे दगड़, मैं महेंद्र भाव पे गुस्सा करूंगा ही क्यों? तो अरे इतना बुरा खेल भी नहीं खेला है उन्होंने। हाँ नहीं खेला है उन्होंने, खेल खेला क्या है उन्होंने? आइका प्रभाकर दादा पढ़ा, 1-4 भी ओपन। अगो भाई 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 भाई, मतलब 1 बजे हमारे सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोलो भारती। अबे बराबर, मतलब 1:30 बजे हमारे सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे। हाँ ये शुभ शुभ था।